I think this controversy was just not required. It's a very simple movie, you know, about a Rajkumar and a Rani and how their life is. And one person who's really madly in love with Padmavati, and it's nothing big. I mean, so much big controversy was not at all required. And Ranveer Singh was the real tiger of the movie. Must watch, guys. It's one best movie of the year. And Sanjay Leela Bhansali, what you have shot is absolutely excellent. देखिए, करणी सेना का जो कहना है, जो राजपूत सेना और सारे के सारे संगठन है, करणी सेना के लिए इसमें कहने के लिए कुछ नहीं है। इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राजपूत संगठन या करणी सेना के खिलाफ में जाए। लेकिन ये पूरे का पूरा विवाद जो है, ये बेबुनियाद है। करणी सेना को पहले एक बार फिल्म ये देख लेनी चाहिए थी, और पहले ही देख लेनी चाहिए थी। अगर ये संगठन और सेंसर बोर्ड ने उन्हें सर्टिफिकेट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ दिया। और इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो राजपूत संगठनों को इस को सड़क पर आना पड़े या किसी तरीके का विवाद करना पड़े और अपनी बात कहनी पड़े। ये उनके लिए मूवी है, ये स्पेशली अगर मूवी बनी है तो राजपूतों के लिए बनी है। तो मेरी गुजारिश है पर्सनली एज ए व्यूअर, मेरी गुजारिश कि उनको खुद देखनी चाहिए मूवी और फिर उनको मीडिया के सामने आना चाहिए उनका रिस्पॉन्स क्या है। क्योंकि एक अच्छी मूवी जो संजय लीला भंसाली ने बनाई है, व्यूअर्स के लिए बनाई है, पद्मावती के बारे में जानने के जो हम शायद इससे पहले नहीं जानते थे, इस मूवी के बाद बहुत कुछ जाना है राजपूतों के बारे में। हम पहले से जानते आ रहे हैं, थोड़ा और जानने का मौका मिला है। लेकिन अगर इसका विरोध नहीं होता तो शायद कुछ और हम जान सकते थे।